अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी इस वक्त जिससे भी पूछ लें, महंगाई का रोना रो रहा होता है। तो कितनी महंगाई बढ़ी है और कितना असर पड़ा है, आगे वीडियो में आप खुद देख लेंगे। किसी भी आदमी से पूछ लें क्या हाल है, आगे से ये जवाब मिलता है, शुक्रगुजारी तो है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो रियलिटी यही है कि हवस ख़त्म नहीं होती। एक शख्स के पास आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, आधे गिलास को लेके उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, लेकिन वो खाली को देख के उसमें रोते रहना। चलाएं थोड़ा सा हंस लें। डबल रोटी कितने मिलने, डबल रोटी कितने मिलेगी, डबल रोटी, डबल रोटी कितने मिलेगी। ब्रेड बिल्कुल पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, साबुन कितना मिलेगा, साबुन, साबुन कितना मिलेगा, साबुन, साबुन समथिंग टू वाटर पिला शावर, शावर लाइक साबुन, लाइक आई आई गो टू शावर, आई वांट टू क्लीन माय माउथ, अ टूथब्रश, नो माय माउथ, योर माउथ, योर बॉडी, योर बॉडी, साबुन, लाइक बॉडी, माय इंग्लिश इज वेरी पुअर, या समथिंग टू, या ओ so nice of you, thank you. My English is very poor actually. Thank you. देखे जी, ये सेब है, ये पाउंड है 1.53, और टमाटर देख लें 98 सेंट्स के पाउंड है, $1 का पाउंड। थोड़ा सा ये ग्रेप्स देखते हैं, 188 का पाउंड है, पाउंड, पाउंड कहते हैं आधा किलो। अभी आजकल के, आजकल में जो हॉट टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है महंगाई के हवाले से। महंगाई तो यहाँ पे, ये मुल्क में भी जो है पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ी है, तो ये महंगाई का यहाँ से कंपैरिजन, वैसे मेरा ख्याल है कि जो लीगल तौर पे जैसे नेशनल है, जैसे आप पाकिस्तान के नेशनल हैं और यहाँ पे बाहर के मुल्कों में जो नेशनल लोग हैं, जो तो उनको फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा पड़ता, क्योंकि अगर वो जैसे एक गरीब की बात की जाए जो कम कमाने वाला मज़दूर है, और उधर का जो मज़दूर है, बात यह है कि यहाँ का जो मज़दूर है वो लग्जरी वो भी इंजॉय करता है, जबकि पाकिस्तान का जो मज़दूर है उसको लग्जरी नहीं मिलती। बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे सर्दियों में हीटर का और गर्मियों में एसी का और बिल का, तो ये इधर के जो है ना बंदे को मसला नहीं होता। और अगर बिलफर्ज वो कम भी कमा रहा है तो गवर्नमेंट उसको फूड के, खाने के पैसे वो दे रही है, देती है। अच्छा, इसमें ना महंगाई का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो ऐसे है कि 3 मंथ पहले आज से, अभी इस वक्त जो है वो नवंबर स्टार्ट है, नवंबर 2021, आज से थ्री मंथ पहले जो कम कमाने वाला था उसको जैसे कहते हैं फूड देती है, फूड स्टैम्प्स उसको बोलते हैं, या इस तरह से लिंक कार्ड बोलते हैं, जो जो लो इनकम होते हैं कम कमाने वाले, उनको पहले देती थी $110-$120 पर मंथ, कि ये इतना खाएं और मरे ना, जिंदा रहे। तो अब उनको वो बढ़ा के गवर्नमेंट ने $200 कर दिया। क्यों किया है? वजह ये है कि चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है, महंगी हुई है, तो अब 110 जो है ना, गवर्नमेंट ने $200 इसलिए किया है क्योंकि अब ये इसमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ों की कीमत बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो है आप इसको
पैसों के लिहाज से जहाँ पे आता है वो कंपैरिजन पाकिस्तान का इसका नहीं कर सकते। अलबत्ता खुशी के लिहाज से, सुकून के लिहाज से, प्लेयर के लिहाज से, आपको और जो ज़िंदगी में और चीज़ें होती हैं जिसमें आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपका अच्छा रिलेशंस होते हैं, फिर इर्द गिर्द का माहौल, उसके लिहाज से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बेहतर होगा। वहाँ पे फिर भी पेरेंट्स की कदर है, वहाँ पे स्कूल है, इस्लामिक एजुकेशन है, बच्चे जो हैं बिगड़ते नहीं हैं, ड्रग्स ये चीज़ें, उसके लिहाज से आप कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे तल्लुक पैसे का आता है, पैसे का कंपेरिज़न आता है, चूँकि डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग है और यहाँ के जो जो ये मुल्क है ये अमीर मुल्क है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाकी चीज़ों में ज़रूर कंपैरिजन कर सकते हैं, सोशल वैल्यूज़ में, रिलेटिव में, चीज़ों में, तो वो बेहतर है, उसकी भी कीमत होती है। लेकिन किलो को एक डॉलर और ये $5 और 98 का ये बॉक्स है, ये 2 pound है, 1 kilo इतने का। तो चीज़ों की कीमतें आप देख सकते हैं। ये 398 की आड़ू है, ये गाजरे 98 cents की, यानी कि $1 की आप कह सकते हैं टैक्स मिला के, $1 की ले लो गाजरे। $1.38 ये क्या जीत ले, $0.78। धनिया देखे, धनिया 78 cents का इतना है, $15 की है। क्लियरेंस $22। ये कितने की, $9 की। ये कुछ सेल लगी होती है, इसको भी देख लें, ये कितने की है, $11 की। ग्लव्स आपको दिखाएं, ग्लव्स सर्दियों में जो आइटम्स होती हैं, $7 का ये हैंड ग्लव्स है, कैसा है अंदर से, अच्छा है। $7 की, $12 का। इस तरफ देखते हैं, ये ना सेल का इस तरह से काउंटर एक है, इसमें देखते हैं क्या है, ये ना सेल क्लियरेंस, इसमें ये निक्कर है, निक्कर कितने की, $9 की ये निक्कर है, ये रहने तो बेकार है। अब हम जाके ना ये मिल्क देखते हैं, ये बच्चों के पैंपर देखें, छोटा वाला पैंपर इतने का, $37 का ये पैंपर,
नवंबर में वो सेल लगती है जो जो फ्राइडे की सेल होती है, तो उसकी भी तैयारियां हैं यहाँ पे। डिश वॉशिंग सोड, अब ये देखिए दूध, इसकी ना मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक होता है दूध जिसमें सारी चीज़ें निकाल ली होती हैं, वो $2.06 का है। ये होल मिल्क है, ये $4 और कितने का, ये कितने का, दो गैलन का है मेरा ख्याल है। कितने गैलन का, 3.78 लीटर, 3 लीटर जो दूध है वो 4.68 का है। इसको ले लेते हैं बॉक्स को। ये भी होल मिल्क है लेकिन वो सस्ता है, ये वाला महंगा है। एक इसको भी ले लेते हैं, देखते हैं कौन सा बेहतर है। ये थोड़ा सा कम है, ये 1 गैलन इतने का। ये वाला $2.68 का, ये वाला जो है ना $4.68 का है। 3 डब्बे काफी हैं। एक्सक्यूज मी, डबल रोटी कितने मिलने, डबल रोटी कितने मिलेगी, डबल रोटी, डबल डबल रोटी कितने मिलेगी? दैट इज ब्रेड। अंग्रेजी साड़ी जरा हल्की है। सीरियल की ड्राइविंग करेंगे, लाइसेंस तो है, अब उसको इस्तेमाल करना है। काफी अरसे से उसको नहीं यूटिलाइज कर रहे थे क्योंकि मोस्टली जो जॉब्स हैं वो आफ्टर अ वीक होम की है या ओवर द रोड की ज़्यादातर है। लोकल अगर आपने जॉब करनी है CDL पे तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए कम से कम 1 साल का। 1 साल बड़े ट्रक का वो तजर्बा हो उसके बाद मिल पाती, क्योंकि लोकल जो है ना वो फिर डेंजरस सफ़र किया जाता है। जब आप इतना बड़ा 80,000 pound का जब आप ट्रक और ट्रेलर चला रहे हैं तो उसके लिए तजर्बा होना ज़रूरी है। तो आइए हम आगे चलते हैं। इंटरनेट की बात है, इंटरनेट भी इस वक्त एसेंशियल में से है, ज़रूरियात ज़िंदगी में से है, और डॉलर्स अमेरिका होने की वजह से चीज़ें डिफरेंट है। तो आप पैसे के लिहाज से और गुर्बत के लिहाज से और अशिया की प्राइस के लिहाज से पैसे के लिहाज से कंपेयर नहीं कर सकते ऑनेस्टली। बाकी चीज़ों के लिहाज से ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास जब पैसा होता है तो वो पाकिस्तान की लाइफ को मिस करते हैं। अभी का मैं वो सामने रोड के उस पार देख रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि एक मुसलमान बहन बेचारी यहाँ पे ये शाम या इराक किसी मुस्लिम कंट्री से लगती है, क्योंकि स्कार्फ पहना हुआ है। वो यहाँ पर हेल्प के लिए कह रही है, इट लुक लाइक शी इज़ अ रेफ्यूजी। सो कोशिश करता हूँ उधर जाने की। वो सामने एक्सफिनिटी का बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से हम इंटरनेट का इक्विपमेंट लेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे एक छोटी सी बात कर लूँ।